What's up everyone, welcome back to new vlog. Guys, Shred with Irfan series में आप लोगों का स्वागत है. आज है मेरा day 3 और आज का जो मेरा workout है वो है chest, shoulder and triceps. तो guys, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 week बाद मेरा contest है और उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं. तो अभी मैं कट डाउन कर रहा हूं, श्रेड करना मैंने शुरू कर दिया है. तो मैं खुद ये वर्कआउट फॉलो कर रहा हूं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कॉन्टेस्ट के आखिरी दिनों में किस तरीके का वर्कआउट किया जाता है. तो चले ज्यादा बर्बाद किया बगैर वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वर्कआउट शुरू करने से पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो होती है वार्म अप. प्रॉपर वार्म अप करें ताकि हमें इंजरी ना हो. गाइस, मैं 10 से 15 मिनट या कभी कभी 20 मिनट, जिस दिन लेग डे होता है उस दिन तो 30 मिनट तक का टाइम लेता हूँ. प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद ही फ्लोर पर जाता हूँ. तो वर्कआउट शुरू करने से पहले होप कि आप लोग भी वार्म अप अच्छे से कर लेंगे. किसी दिन ऐसा लगा तो मैं वार्म अप का भी पूरा वीडियो ही बना दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस किस्म के वार्म अप करने चाहिए. लेग्स का तो मैंने बताया है, अपर बॉडी का भी बता दूंगा. ऑलराइट, तो हमारा वर्कआउट अब हम शुरू करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है सेमी इंक्लाइन बेंच प्रेस. सेमी इंक्लाइन, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था इंक्लाइन एंड फ्लैट के बीच में सेमी इंक्लाइन, ठीक है. तो इसके हम सबसे पहले 2 वार्म अप सेट करेंगे. यस गाइस, हमेशा याद रखना, एक्सरसाइज शुरू करते हो कोई भी एक्सरसाइज से उसके 2 वार्म अप सेट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन होने लगे, मसल में ब्लड पहुंचने लगे, इंजरी के चांस ना रहे. इंजरी नहीं करनी है हमें, अच्छे से वर्कआउट करना है, ठीक है. तो 2 वार्म अप सेट करने के बाद इसके हम 4 वर्किंग सेट करेंगे, रिपीटेशंस होंगे 10 से 12. तो आज मैंने मेरे लाइफ का हेवीएस्ट वेट लिफ्ट किया. गाइस देखिए, 40 pounds ईच डंबल प्रेस मैंने किया. आप देख सकते हो कि 4 रिपीटेशन मैंने सेल्फ किए हैं, उसके बाद सलमान का थोड़ा हेल्प लेके मैंने और 4 रिपीटेशन किए. तो मेरे लिए इनफ है, 8 काउंट मैंने किए जिसमें 4 सेल्फ है और 4 में मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया. तो इंशाल्लाह आगे और इसे इंप्रूव करूंगा, कोशिश करूंगा कि खुद ही बिना नेक्स्ट टाइम 6 काउंट सेल्फ करूं. तो यहां पे होता है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. अभी हम बढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज पे. सेकंड एक्सरसाइज वो है डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई. गाइस मूवमेंट देखिए, कंट्रोल्ड मूवमेंट है. गाइस एवरी टाइम मैं कहता हूं, मसल टू माइंड कनेक्शन, फील द मसल, प्रॉपर स्ट्रेच फील करना है एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, ठीक है. जितना मसल टू माइंड कनेक्शन बैठेगा उतना वेट आपके मसल तक पहुंचेगा. सिंपल. तो इसके भी हम 4 सेट करेंगे, रिपीटेशन होंगे 12 से 15. यहां पे रिपीटेशन थोड़े हमने ज्यादा किए हैं. ओके, तो चेस्ट की 2 एक्सरसाइज इनफ है. नाउ हम मूव करेंगे डेल्ट्स पे, शोल्डर पे. शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम फ्रंट डेल्ट को टारगेट करेंगे, फ्रंट रेज ऑन केबल. बहुत ही इफेक्टिव आइसोलेट एक्सरसाइज है गाइस, ट्राई करना. मूवमेंट देखिए, कंट्रोल्ड है, फोर्सफुली अप स्लोली डाउन, फोर्सफुली अप स्लोली डाउन, फुल फोकस, फुल मसल टू माइंड कनेक्शन. इसके अगेन हम 4 सेट करेंगे, रिपीटेशन यहां पे होंगे 8 से 12. थोड़ा हेवी जाने की कोशिश करनी है. ओके, तो फ्रंट डेल्ट को टारगेट कर दिया. तो यहां से मूव करते हैं सेकंड एक्सरसाइज डेल्ट्स की, जो है साइड लेटरल रेज, लेकिन अगेन केबल पे. अगेन सेम कंट्रोल्ड मूवमेंट, फोर्सफुली अप एंड स्लोली डाउन. और इसके हम 4 सेट करेंगे, रिपीटेशन सेम होंगे 8 से 12. तो यहां पे हमारा शोल्डर भी फिनिश होता है. तो गाइस हमने चेस्ट की 2 एक्सरसाइज की, डेल्ट्स की 2 एक्सरसाइज की. नाउ टाइम फॉर ट्राइसेप्स. गाइस देखिए, चेस्ट में हमने प्रेसिंग मूवमेंट होता है, राइट.
डेल्स में प्रेसिंग मूवमेंट होता है तो हमारा ट्राइसेप मसल ऑलरेडी वार्म हो गया है, अच्छे से एक्टिव हो गया है, स्टिल एक वार्म अप सेट एवरी एक्सरसाइज से पहले करना बहुत ही जरूरी है, मैं तो करता हूं। तो एक वार्म अप सेट करने के बाद हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है केबल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, केबल क्रॉस्ड। अब ये मूवमेंट देखिए गाइस, इसमें आपका जो एल्बो है वो बैक से थोड़ा सा पीछे रहेगा जिसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड मूवमेंट देखिए, मूवमेंट हो रहा है सिर्फ एल्बो से मूवमेंट करना है, तभी आपका ट्राइसेप्स मसल यूज होगा और उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। कंट्रोल मूवमेंट इसके हम 5 सेट करेंगे, रिपीटेशंस होंगे 10 से 15, थोड़ा हायर रिपीटेशंस रखा है मैंने। और ट्राइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज है वन आर्म ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन ऑन केबल, इसके भी हम 5 सेट करेंगे। सेम कंट्रोल्ड मूवमेंट रखनी है आपको, फुल फोकस करना है, एल्बो को जितना ज्यादा एक्सटेंड करोगे मैक्सिमम उतना ट्राइसेप मसल इन्वॉल्व होगा, उस पे स्ट्रेस जाएगा। 5 सेट रिपीटेशंस है 10 से 15। तो गाइस ये था मेरा आज का वर्कआउट, सिंपल 2 चेस्ट एक्सरसाइज, 2 शोल्डर एक्सरसाइज एंड 2 ट्राइसेप एक्सरसाइज। हो सकता है आप लोगों को देखने में लगे कि बस, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये करने में मेरी हालत खराब हो गई थी, इतना इंटेंस किया मैंने। आपको चेस्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज दिखाया था जो मैंने 40 पाउंड्स पे किया था, मतलब मैंने मेरे लिमिट को हर एक्सरसाइज में हर सेट में पुश किया है। और ये जो वीडियोस आप लोग देख रहे हो वो मैंने, मेरा जो वर्कआउट टोटल फिनिश हो गया 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ डेमो एक्सरसाइजेस शूट किया है। तो वर्कआउट कम या ज्यादा नहीं होता, हम पे डिपेंड करता है हम कैसे करते हैं। 2 सेट के बीच में हमें 1 मिनट का रेस्ट लेना है, इनफ फुल फोकस्ड एक्सरसाइज, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, मोबाइल साइड में, सिर्फ एक्सरसाइज, फुल फोकस, हैवी विद प्रॉपर पोस्चर एंड पोजीशन। तो गाइस ये था मेरा आज डे 3 का वर्कआउट, होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।